और स्माइल, कैसे हो? ठीक हो? मोटू वो नहीं आया आज मोटू, क्या नाम था उसका, यहाँ जहां बैठा होता था, हाँ जिसको मैंने बिग शो कहा था, नाम क्या था उसका? जुहेर, समझ में आया बेटा यहां तक तुम्हें? जुहेर ऑडियो तो कनेक्ट कर लो। सलमान तुम्हें समझ में आ गया? सलमान, सलमान आवाज नहीं आ रही तुम्हारी मुझे, दोबारा रिकनेक्ट करो, तुम्हारा माइक तो खुला हुआ है लेकिन आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। तो सारी कहानी हमने सुन ली, कहानी के बाद कैटिनेशन समझ ली। अब इसका जब कैटिनेशन का पता चल गया, मैं बता रहा था, फिर ये अरीशा जो भी है आप एंटर हो गई, बच्ची हमारी, टेम्पो टूट गया। तो मैं ये बता रहा था कि जब हमें कैटिनेशन का पता लग गया, आप समझिएगा कि उससे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड थे 1000-2000, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी तकरीबन इतने ही थे। लेकिन जब हमें यह पता लग गया कि कैटिनेशन के थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, आप यकीन कीजिए आज की तादाद की अगर बात करूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद लाखों में है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स चंद हजार। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद लाखों में है, क्यों? और उन लाखों में, लाखों कंपाउंड जो ऑर्गेनिक है उनमें बहुत सारी वेरायटी वो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है। लेकिन क्योंकि अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं थे, बिकॉज वी फर्स्ट टाइम न्यू कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, तो आज बहुत सारे कंपाउंड्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो हमने बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर जब आप परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, आप जो नया नया किस्म का लोरियल का जो नाइट क्रीम इस्तेमाल करते हैं, वो सारी, आपने कभी केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ी है? सारी ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन है उसके ऊपर, ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन। तो उसमें बहुत सारे कंपाउंड जो है वो कंपनीज ने R&D रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू डेवलप किए हैं, बनाए हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट किए कि यार रात को लगा के सोएंगे तो स्किन स्किन के अंदर जो है ना वो गोरा कलर पैदा होगा। ठीक है जी, तो समझाने की बात यह है कि जब हमें कैटिनेशन का बेटा पता लग गया, नहीं, कैटाइन यहां से नहीं निकला भाई, कैटिनेशन का जब हमें पता लग गया, उसके बाद ऑर्गेनिक हमारे हाथ में आई। और वो जो पुराना डेफिनेशन था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या वो बात अब मजीद अप्लाई हो सकती थी? नहीं, क्योंकि अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना सीख गए थे। तो इसलिए बेटा अब यहां से कनेक्ट करना, जो भी नाम है तुम्हारा, कि यहां से आपके ओ लेवल्स में शुरू होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर हमने उसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को क्या कर दिया हमने, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो डेफिनेशन हमने पहले लिखी थी वो क्या थी कि जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बेटा हमने कहानी ना यहां से शुरू की थी कि ऑर्गेनिक का जो वर्ड आया वो कहां से आया, इनिशियली कॉन्सेप्ट था कि जो कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का वर्ड इसीलिए ऑर्गेनिक को पढ़ा है क्योंकि ऑर्गेनिज्म से ये कंपाउंड्स इनिशियली ऑब्टेन किए जाते थे, हम इसे बना नहीं सकते थे क्योंकि दे वर सो कॉम्प्लेक्स, हम लैब में नहीं बना सकते थे, हमारे पास इतने स्किल्स नहीं थे, इतनी टेक्निक्स नहीं थी। फिर पूरी कहानी सुनाने के बाद हमने बताया, जब हमें वो टेक्निक का पता चल गया जिस टेक्निक को हमने कैटिनेशन का नाम दिया हुआ है, जब इस टेक्निक का हमें पता लग गया तो फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद भी बनाना शुरू कर दिया, और इसीलिए जो डेफिनेशन थी वो हमने चेंज कर दी। कैटिनेशन किसकी प्रॉपर्टी है? कार्बन की। तो हमने क्या कहा कि क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैटिनेशन की वजह से बन रहे हैं और कैटिनेशन कार्बन की प्रॉपर्टी है, इसीलिए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन को चेंज कर दिया, कंपाउंड ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज जो डेफिनेशन हम जिस पर बेस कर रहे होते हैं वो कार्बन के ऊपर बेस कर रही है। इज दैट क्लियर? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अब जो आप बेसिक कंपैरिजन समझे इस पूरी कहानी के बाद, वो क्या है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मच स्मॉलर एंड सिंपलर कंपाउंड्स, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द अदर हैंड आर मच लार्जर कंपाउंड्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द साइज ऑफ दोस कंपाउंड्स डिपेंड ऑन द कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। जी बेटा जी, बोलो, को सवाल पूछ रहे हो? नो सर। अच्छा, यहां तक जानने के बाद अब हम आपके सिलेबस के हिसाब से इसको शुरू करते हैं। मेरे बच्चों, आपके सिलेबस का जो ऑर्गेनिक है वो स्टार्ट होता है एक कॉन्सेप्ट के साथ जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। यहां से ओ लेवल स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रो, इससे पहले जो कुछ पढ़ा हमने
वो सिर्फ इसलिए था ताकि आपको कोई और कंफ्यूज ना कर सके ऑर्गेनिक को लेकर, आपको बेसिक का पता हो जो आपको अब तक नहीं पता था। जो बच्चे स्कूल में ही पढ़ रहे हैं उन्होंने भी ये कन्फेस किया कि भाई उनको ये नहीं पता। तो आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है विद दिस कर्व, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यहां से शुरू होती है ऑर्गेनिक की पूरी डिस्कशन। मेरे बच्चे हम भी यहीं से शुरू कर लेते हैं। आपको पता चल गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पर बेस करती है, लेकिन यहां वर्ड क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है। व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोकार्बन बेटा, हाइड्रोकार्बन इज जस्ट लाइक अ मदर ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एनी कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हर वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हम इस टर्म को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज की सारी रिसर्च करने के बाद हमें यह पता चला है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो एक दरख्त की तरह है, और उस दरख्त की जो रूट है ना वो हाइड्रोकार्बन है। क्या मतलब, अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है हम उस हाइड्रोकार्बन से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट कैन बी कन्वर्टेड इंटू एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो हमने इतनी बड़ी जो ऑर्गेनिक, मैंने कहा लाखों कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मौजूद है, तो उनको डिफाइन करने के लिए हमने जो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट ड्राइव किया वो उनकी मदर को पकड़ा, उसकी रूट को पकड़ लिया कि अगर हम सबसे बेसिक रूट ले लें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो कौन है, हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स को डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आज की जो टेक्निकल डेफिनेशन है, जो आज आप किसी भी बुक में पढ़ते हैं, वो हाइड्रोकार्बन के टर्म पर बेस कर रही होती है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक को कवर करना है विदाउट एक्सेप्शन। तो आज जो आप पढ़ते हैं डेफिनेशन वो क्या होती है, आज की सारी रिसर्च के बाद, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स यानी वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, वो और उनसे बनने वाले, और मैंने अभी बताया कि उनसे कौन बनते हैं, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन से आप ड्राइव कर सकते हैं। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पूरी एक बहुत बड़े से दरख्त की तरह है जिसमें बहुत सारी वैरायटी है, उस पूरी वैरायटी को दो वर्ड में कवर कर लिया, हाइड्रोकार्बन और एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स क्योंकि सिर्फ कार्बन पे बेस इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत वैरायटी है, और कार्बन के अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए था जो टेक्निकली सारी चीजों को कवर कर ले, और उसको कवर किया गया दो वर्ड्स में, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसीलिए आज आप जब कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। और जब ये दो वर्ड आप बोलते हैं, इस दो वर्ड के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। सवाल आ जाता है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, और डेरिवेटिव्स जो इनसे बनने वाले, इनसे जो चीज भी बनेगी वो हाइड्रोकार्बन का क्या कहलाएगी, डेरिवेटिव। एंड द फैक्ट इज कि हाइड्रोकार्बन्स कैन बी ड्राइव और कैन बी चेंज इनटू एनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो फाइनली द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन विच इज गिवन इन योर बुक इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। सहर बात समझ में आ रही है, अनीका फातिमा, सलमान सईद, अहमद, हंजला, मुनीब? यस सर। जी सर, आ रही है। जी सर। जुहेर? जुहेर आ रही हूँ विद मी बेटा, लिख लीजिए। जी सर। करो चलो, तो ये फाइनली हम पूरे समझोगे 40 मिनट के लेक्चर के बाद यहां पहुंच गए उस डेफिनेशन पे जो आपकी किताब में मौजूद है। ठीक है जी, एकदम से एक दिन में नहीं आ गई, हमने पूरा सफर तय किया कि यहां तक हम पहुंचे कैसे हैं। तो आज हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, दो वर्ड्स में पूरी डिस्क्राइब हो जाती है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, वो भी लिख लेते हैं साथ साथ। जी क्या बताया, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। क्या मतलब हो गया बेटा, कि जैसे मैं एग्जाम्पल अगर देता हूं, तवज्जो रखिएगा, अगर मैं लिखता हूं CH4, इज इट अ हाइड्रोकार्बन, इज इट अ हाइड्रोकार्बन, यस इट इज। मैं लिखता हूं सी
9H20 is it a hydrocarbon? Yes. मैं लिखता हूं C6H12O6 is it a hydrocarbon? It's not. It's not a hydrocarbon because it also contains oxygen. Hydrocarbons हम कहते हैं सिर्फ उनको जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो. So it can be called as a derivative of hydrocarbon, but it is not hydrocarbon. Hydrocarbon का वर्ड सिर्फ उस वक्त आएगा जब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो. कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और चीज, कोई और एलिमेंट ना हो. सो दिस थर्ड फॉर्मूला इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन. इट कैन बी कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. इज दैट क्लियर? ओके. अब मेरे बच्चों, अब जैसा कि मैंने आपको समझाया कि क्योंकि हाइड्रोकार्बन का जो ग्रुप है इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये एक मदर की तरह है, एक रूट की तरह है, और इसी से सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ड्राइव होती है. बिकॉज यू आर स्टडिंग ऑर्गेनिक फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसीलिए ओ लेवल्स में, इवन ए लेवल्स में जो फोकस किया जाता है वो इस रूट को किया जाता है कि फर्स्ट, क्योंकि ऑर्गेनिक इज टू कॉम्प्लिकेटेड, टू लार्ज, टू कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री. तो अल्टीमेटली हम जब किसी चीज की रूट को पहले सही से पकड़ेंगे तो उसकी उसकी जो ब्रांचेस हैं जो उसको समझना और उसको रिलेट करना आसान हो जाता है. इसीलिए ओ लेवल्स की जो प्राइमरी डिस्कशन है वो आपके हाइड्रोकार्बन्स पर हो रही है. तो लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. बिल्कुल बेसिक सा फ्लो चार्ट है, आसान सा फ्लो चार्ट है. अच्छा, याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जुमला बोलना भूल गया, हर सेशन में बोलता हूँ, मिस हो गया, अभी याद आ गया. ये हमारे टीचर का जुमला है और हमेशा मैं अपने बच्चों से शेयर करता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक में अलग तरीके से दी हुई है, पढ़ना में अलग तरीके से, एग्जाम में अलग तरीके से पूछी जाएगी. और ये तीनों अलग अलग तरीके समझना जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर जैसे बुक में लिखी है अगर आप वैसे ही रटना शुरू कर देते हैं आप एग्जाम के आंसर्स को नहीं सॉल्व कर सकते, आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे. इसीलिए पढ़ने का तरीका बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसे एग्जाम में आएगा, और जब एग्जाम में किसी तरीके से पूछी जाए तो आप इस तरीके को रिलेट कर पाएंगे वहां पर. इट्स नॉट, इट्स अ केमिस्ट्री जो टोटली अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है. इसीलिए जब मैं ऑर्गेनिक के अभी मेन क्लाइमेक्स वाले पार्ट में जाऊंगा तो वी विल ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग वर्बली आफ्टर डूइंग इन एवरी क्लास इंशाल्लाह ताला. क्योंकि हम ऑर्गेनिक को फिंगर टिप पे रख सकते हैं. अगर ऑर्गेनिक फिंगर टिप से नहीं, आप रिवाइज नहीं कर पा रहे, रिकॉल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ऑर्गेनिक आप नहीं कर पाएंगे. ऑर्गेनिक रट्टा मार के नहीं की जा सकती. ऑर्गेनिक में जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके यहां होना चाहिए विदाउट रिवाइजिंग. तो फिर ऑर्गेनिक का पूरा सेक्शन आपके पाओ में गिरा रहेगा ऐसे करके, और पूरा सेक्शन आप फुल मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर पाएंगे. चलें शुरू करते हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स की हमने बहुत तारीफ कर ली, शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन में. हमें पता चल गया हाइड्रोकार्बन्स क्या है. अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन. मेरे बच्चे, हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. Hydrocarbons are basically divided into two categories, which are saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Hydrocarbons, again, इसका इमेज क्या बैठा बेटा तुम्हारे दिमाग में, कि it is a class of compounds जो कि root है जिससे सारे organic compounds derive होते हैं. Is it clear to you? अच्छा, तुम्हारी आंखें ना छोटी सी नजर आ रही हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपका आवाज सुनना चाह रहा था. ठीक है, तो hydrocarbons की जो पूरी category है जो बहुत important है, जिसको समझना बहुत जरूरी है, we divide hydrocarbons into two sub categories which are saturated and unsaturated. What is meant by saturated and unsaturated? इसको समझाने के लिए बड़ी एक सिंपल सी example मैं आपको देता हूँ. देखिए, आपको शदीद भूख लगी है, आपको शदीद भूख लगी है, आप घर पहुंचते हैं और आपकी फेवरेट डिश घर में बनी हुई है. मिसाल के तौर पर आपको बिरयानी बहुत पसंद है और बिरयानी बनी हुई है. आप घर जाते हैं और आप मतलब तबाही फेर देते हैं बिरयानी के ऊपर. आप बोलते हैं अम्मी ने बिल्कुल वैसी बिरयानी बनाई है जैसे कि आपको पसंद है. या आप शादी में अगर भूख से मतलब समझ रहे हैं ना, शादी का तो रेफरेंस, शादी में देखा है जब खाना खुलता है तो ऐसा लगता है दुनिया का मैंने जिंदगी में पहली या आखिरी दफा खाना खा रहा है. पूरा पहाड़ बना के लेकर आते हैं. मैं एक से एक टैलेंट देखा. मैं अक्सर शादियों में भूखा रह जाता हूँ क्योंकि मेरी आदत नहीं है. मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ये कि जाके बिल्कुल फकीरों की तरह घुस जाए और यूं कपड़े नए पहने हैं आपने और उसमें इसको कोनी मार रहे हैं, उसको कोनी मार रहे हैं. कोविड आ गया था तो अच्छा था, टेबल बाय टेबल सर्विंग हो रही थी. वरना अजीब सी जहालत वाला माहौल होता है और बिल्कुल बच्चा वो केचप गिरा दिया आपके ऊपर, रायता गिरा दिया आपके ऊपर, अजीब से हालात है. खैर, तो उसमें होता ही है कि सारा जो है आइटम खत्म हो जाता है, आखिर में हम चावल लेके बैठ के चावल खा रहे होते हैं. लेकिन चलो कम से कम तमीज का मुजाहरा करते हैं. तो आपको भूख लगी हुई है और आपको शदीद भूख लगी है, यानी आपने नहीं खाया तो आप मर जाएंगे ऐसी भूख लगी हुई है.
और आप घर पहुंचते हैं और आपको बिल्कुल वही खाना मिल गया जो आप मतलब आइडियलाइज करते थे, तो आप क्या करेंगे? आप खाना खाएंगे और तबाही फेर देंगे और उस खाने से पेट भर के ऐसे पर डकार मारेंगे और उसके आप बोले मजा आ गया। होगा या नहीं होगा? अब आप कहें नहीं सर मैं तो फरिश्ता हूं मेरे साथ ऐसा नहीं होता, तो ये गलत बात है। शक्ल पे शैतानियां थे, फरिश्ते नहीं हो सकते हम लोग, तो ऐसा होगा ना? इज इट ऑब्वियस? ये सुनो, पेट भरा आपका या नहीं भरा? दूसरा एग्जाम्पल सुने, शदीद भूख लगी, उतनी ही भूख लगी। अब आप जनाब घर पहुंचे और अम्मी ने लौकी आलू की भुजिया बनाई हुई, या अम्मी ने तुरई की जो है ना तोरी जो होती है, तुरई जिसको कहते हैं, उस तुरई को आज अम्मी ने बस कढ़ाई में ऐसी घुमा दिया है और इसमें हल्का सा नमक मौजूद है और रोटी कड़क सी बनी हुई, लेकिन भूख बहुत शदीद लगी हुई है। अब आप कह रहे हैं यार अम्मी जोए ला दो, खा लेते हैं। तो आप यहां पर भी खाएंगे और यहां पर भी आपका पेट भर जाएगा, लेकिन क्या ये पेट भरना वो मजा देगा जो पहले मिल रहा था? नहीं। ये बात मैंने क्यों समझाई? एग्जैक्टली यहां अप्लाई होती है। देखो अक्सर जब बच्चा सुनता है ये वर्ड या टीचर जब समझा रहा होता है तो वो कहता है सैचुरेटेड का मतलब है भरा हुआ और अनसैचुरेटेड का मतलब है खाली। आपने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, जनरल साइंस में पढ़ा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट फुली डिजॉल्व हुआ होता है, अनसैचुरेटेड जिसमें सॉल्यूट के डिजॉल्व होने की कैपेसिटी बाकी होती है। तो खाली और भरे हुए के कॉन्सेप्ट से बच्चे समझते हैं, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि कार्बन जो है ना वो चार बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है चार। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो उसमें भी कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो उसमें भी कार्बन चार ही बॉन्ड बनाता है। तो मालूम हुआ कि भूख का जो मैंने एग्जाम्पल कोट किया वो क्यों कोट किया, ताकि आपके जहन में ये रहे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की एग्जाम्पल ऐसी है कि पेट तो दोनों में भरता है, लेकिन एक में कार्बन अपना पेट वैसे भरता है जैसे उसे चाहिए बिरयानी खाकर, और एक में लौकी खाकर। क्या मतलब इसका केमिकल सेंस में? क्या मतलब है केमिकल सेंस में? इसका मतलब यह है कि अगर कार्बन अपने चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बनाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, आप केमिस्ट्री में बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, कार्बन अगर चार चार बॉन्ड बना सकता है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड की एग्जाम्पल, जो लोग फिजिकली मौजूद है वो मेरा हाथ देख सकते हैं, बाकी ऑनलाइन वाले महरूम हो गए। कार्बन का सिंगल बॉन्ड ना ऐसे होता है, ये वाला बॉन्ड है मजबूत बॉन्ड, ओवरलैप, फुली ओवरलैप। आप ऐसे इमेजिन करो कि कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो जो नॉट लगती है ना दो कार्बन के दरमियान वो बड़ी मजबूत नॉट होती है, जबकि जब कार्बन में डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है, आपने कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़े, कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह का पढ़ा हुआ है आपने, सिंगल डबल और ट्रिपल। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में कार्बन ने बनाने हैं चार बॉन्ड, लिसन वेरी केयरफुली, हंसने की बात नहीं है, कार्बन ने चार बॉन्ड बनाने हैं, चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड, पेट भरना है, भूख पूरी करनी है, लेकिन उसको पूरा करने के कई तरीके हैं, और वो तरीके अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो वो क्या है कि कार्बन अपने चार बॉन्ड चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना ले, नजर नहीं आ रहा ना ये वाला कलर, कार्बन अपने चारों के चारों बोलो भाई सिंगल बॉन्ड बना ले, ये वैसा है जैसे बिरयानी खा के पेट भरा, कि चार कनेक्शंस बनाए और चारों के चारों तगड़े कनेक्शंस हैं, मजबूत कनेक्शंस हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्बन क्या करे कि दो कनेक्शंस तो उसके सिंगल वाले हों और एक डबल आ जाए, और इसी तरह यू भी हो सकता है कि दोनों डबल डबल आ जाए, इसी तरह ये भी हो सकता है कि एक तरफ ट्रिपल हो जाए और एक तरफ सिंगल हो जाए। तो आप अगर गौर करें अपनी स्क्रीन पर तो एवरी केस, इन एवरी केस कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, आपको सिंगल सिंगल वाले केस में भी नजर आ रहा है कार्बन चारों बॉन्ड बना रहा है, यहां पर भी देखिए एक दो तीन चार, चार डंडे हैं चार बॉन्ड बन रहा है, यहां पर भी देखिए दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो चार बॉन्ड बन रहे हैं, यहां पर आप देखिए तीन बॉन्ड एक तरफ एक बॉन्ड एक तरफ। लेकिन आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए कि मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कार्बन जब चारों बॉन्ड सिंगल बनाता है तो वो ऐसा ही है जैसे उसने पेट बिरयानी खा के भरा। और इसका केमिकल लॉजिक ये है, डिटेल नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा केमिकल टर्म बता देता हूं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, आपको याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि वो मजबूत होता है, सिंगल बॉन्ड इज अ स्टेबल बॉन्ड, मजबूत बॉन्ड होता है। तो कार्बन को जो अपनी वैलेंसी चार की पूरी करनी है तो वो चाहता ये है कि सिंगल से पूरी हो जाए, क्योंकि उससे वो क्या होगा अपनी वैलेंसी ना सिर्फ पूरी करेगा बल्कि सेटिस्फाई होगा, बिरयानी खा के आप मुतमईन हो गए थे ना, जबकि अगर वो सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता तो मजबूरन वो डबल या ट्रिपल बना लेता है ताकि भूख तो पूरी हो जाए, भूख तो पूरी हो जाए लेकिन कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हो पाता। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने भूख से समझाया क्योंकि एग्जैक्टली एप्लीकेबल होता है। हम कैसे डिफाइन करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। अब आप समझ रहे वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या है कि वैलेंसी तो हमेशा पूरी होगी, फोर बॉन्ड्स तो हमेशा बनेंगे, लेकिन अगर वो बॉन्ड चारों सिंगल बने हैं
अगर वो बॉन्ड चारों के चारों क्या बने, सिंगल बने हैं, तो हम कहेंगे वो वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रही है। यहां पर मैं अगर हाईलाइट कर दूं तो ये एग्जांपल जो मैंने दी, यहां पर वैलेंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीटली सेटिस्फाई। लेकिन जब वो ये वाले बॉन्ड बनाएगा, ये वाली कंडीशन में जाएगा या ये वाली कंडीशन में जाएगा, तो वैलेंसी यानी चार बॉन्ड बना तो लेगा, लेकिन उसके लिए वर्ड कंप्लीटली सेटिस्फाइड इस्तेमाल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है मेरे बच्चों, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन, सारे कार्बन एटम्स की वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाई हो, या इन अदर वर्ड्स सारे कार्बन के बॉन्ड्स कैसे हो, सिंगल हो, सारे कार्बन के बॉन्ड कैसे हो, सिंगल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और हम कहते हैं जहां पर कार्बन, एक कार्बन की वैलेंसी भी, 100 कार्बन है लेकिन 100 में से एक कार्बन की वैलेंसी भी ऐसी है जो कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं है, तो हम उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे। और वो कंप्लीटली सेटिस्फाई कब नहीं होगी, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। इज दैट क्लियर? भाई ऑनलाइन वालों के लिए फातिहा पढ़ दें, क्योंकि ये इंतकाल फरमा चुके हैं, इनके इसाले समाज के लिए। क्लियर सर? बेहतरीन हो गया। अच्छा अनिका, समझ में आ गया तुमको? यस सर। तो डेफिनेशन लिख लेते, मेरे साथ याद करनी ऑर्गेनिक। मुनज्जा आपको समझ तो नहीं आया बेटा, झूठ बहुत बोलती है आप, कहते नहीं आए। अलीशा तुम्हारी जुड़वा आ गई है, अलीशा, अलीशा नाम है ना तुम्हारा, अनीशा। अच्छा चलो सैचुरेटेड डिफाइन करते हैं, लिखते हैं भाई, चलो ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, मुनीब खान समझ में आ गई बात? मुनीब का जवाब नहीं आ रहा। जुहेर? हाँ हाँ सर, क्लियर है, क्लियर। यूजुअली क्या होता है, आप पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, कंप्लीट वैलेंसी इनकम्प्लीट। वैलेंसी हमेशा कंप्लीट होगी, चार बॉन्ड जो बनेंगे वो हमेशा बनेंगे, चाहे सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? सैटिस्फाइड उस वक्त कहलाएगी जब चारों बॉन्ड सिग्मा यानी सिंगल बॉन्ड हो। दो हाइड्रोकार्बन इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज फुली सैटिस्फाइड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या बनेगी भाई? अगेन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ लिया है तो याद रहेगा। जी बोले। हाँ यहां तक कोई सवाल है तो भी पूछें। नहीं लिख लिया? अब मेरे बच्चे एक मिनट रुको, उसको कंप्लीट कर दूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है, उस एग्जाम्पल का नाम, उस क्लास का नाम है अल्केन। अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो एग्जाम्पल ऑफ क्लास आती है उसका नाम है अल्केन्स। इसकी डिटेल आगे पढ़नी है। और अनसैचुरेटेड में आपको पता है दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो डबल बॉन्ड हो तब भी अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी अनसैचुरेटेड। अगर डबल बॉन्ड हो तो इसको हम कहते हैं अल्कीन,
और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको हम कहते हैं अल्काइन। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोकार्बन की तीन क्लासेस हो जाती है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। और असल में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जो है इनको समझना आसान है। ये अल्क का मतलब होता है कार्बन, कार्बन चेन, और एन कहते हैं सिंगल बॉन्ड को। अल्क का मतलब होता है कार्बन चेन, ईन कहते हैं डबल बॉन्ड को। अल्क का मतलब होता है कार्बन चेन आइन, वाई एनी आइन जो आ रहा है वो कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। तो अल्केन का मतलब क्या है? कार्बन चेन विद ऑल सिंगल बॉन्ड। अल्कीन का मतलब क्या है? कार्बन चेन विद एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, कार्बन चेन विद एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। बात समझ में आ रही? तो अल्क का जो मतलब है वो है कार्बन चेन को डिनोट करता है। इज दैट क्लियर? हाँ बोलो। वो अल्कली है ना, अल्क नहीं है। नहीं, इज दैट क्लियर टिल दिस पॉइंट मेरे बच्चे? अब इंशाल्लाह ताला अगली अगली क्लास है यहाँ पर अल्केन, यहीं से डिस्कशन आगे वेंसडे को कंटिन्यू करेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन से इंशाल्लाह ताला। यहीं पर इसको आज के सेशन को छोड़ दें। आज हमने ऑर्गेनिक की पूरी हिस्ट्री जान ली, और हिस्ट्री जानने के बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्लास के ऊपर हमने बात की, डेफिनेशंस डिस्कस कर ली। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पे छोड़ के जा रहे हैं। अल्क क्या है? कार्बन चेन, एन सिंगल बॉन्ड। अल्क क्या है? कार्बन चेन, ईन डबल बॉन्ड। अल्क क्या है? कार्बन चेन, आइन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहीं से इंशाल्लाह अगले नशीब को वेंसडे को सेशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।